हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में प्रवीण कुमार ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निकल शो का पार्ट टू वीडियो होने वाला है। यदि आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो भी लोग पार्ट वन देख लिए हैं वे इस वीडियो को भी देखें, इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए, बिना समय को गवाते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। ज्ञानम प्रथम पुरस्तात् सर्वभूतेभ्यः ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरस्तात् सर्वभूतेभ्यः उपमा अस्य विस्तार सतस्य योनि सतस्य विव ओम ब्रह्माय नमः ब्रह्मा अवध्यामि ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या चाहते हो? हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि मेरे शरीर से यदि एक बूंद रक्त भी भूमि पर गिरे तो मेरे समान बलवान एक और दैत्य प्रकट हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वत्स, आज से तुम्हारा नाम रक्त बीज होगा। अब मैं त्रिलोक विजयी बनूंगा। अब मैं सभी देवताओं को बंदी बनाऊंगा। सभी को युद्ध में परास्त करूंगा। पृथ्वी पर दैत्यों को यह कैसा वरदान दे दिया? नारायण नारायण, या तो देवलोक एवं मृत्यु भुवन को जीत लेगा, फिर हम लोग कहां रह जाएंगे? नारायण नारायण। प्रभु, आपने दैत्य को यह कैसा वरदान दे दिया? अब तो त्रिभुवन पर देवी देवता ऋषि महर्षि इन सबका सीना दुष्कर हो गया है। प्रभु, ऐसा वरदान देकर आपने अनर्थ कर दिया भगवान। इसलिए हे प्रभु, अब इसके विपरीत कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे रक्त बीज का नाश हो जाए। हे देवगण, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। आप लोग सभी देवी काली की आराधना करें,
वही आप सबका मार्गदर्शन कराकर रक्त बीज का नाश करेगी। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद कली देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद कली देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद कली देवी नारायणी नमस्ते। हे देवी काली, तुम महाकाल के समान इस रक्त बीज का संघार करो। हे देवगण, ऐसा ही होगा। रक्त बीज शांत नहीं हुआ तो इसके प्रचंड से तीनों लोगों का विनाश हो जाएगा। इसके क्रोध को शांत करना ही होगा।